अब ये बात डिसाइड हुई कि लिक्विड में एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड खुद अपने ही मोशन को अपोज करता है, लिक्विड की ही डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के मोशन को डिस्ट्रॉय करती है। अगर लिक्विड यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, लिक्विड की ये लेयर दोनों मूव कर रही है, लेकिन ऊपर वाली लेयर फास्ट मूव कर रही है, नीचे वाली लेयर स्लो मूव कर रही है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी है क्या कि ऊपर फास्ट वाली लेयर नीचे स्लो वाली को अपने साथ खींच के आगे ले जाना चाहती है, और जो नीचे स्लो वाली है वो ऊपर वाली फास्ट चलती वाली लेयर को खींच के वापस अपनी जगह लाना चाहती है, वो उसे रोकना चाह रही है। नीचे वाली लेयर जो स्लो है वो ऊपर वाली फास्ट वाली लेयर को रोकने की कोशिश में है, और जो फास्ट वाली लेयर है ऊपर वाली, ये नीचे वाली स्लो लेयर को अपने साथ तेज ले जाने की कोशिश में, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है, और यही अपोजिशन क्या है एक्चुअली, विस्कोसिटी। ये क्या है, विस्कोसिटी। तो ठीक है, विस्कोसिटी है सब में, लेकिन सारे लिक्विड में विस्कोसिटी एक जैसी तो नहीं है, हमें अब इसे नापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि किसमें कितनी विस्कोसिटी है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी, और ये फिजिकल क्वांटिटी है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। हेडिंग डालते हैं कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको लिखने के लिए इसका जो सिंबल है, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है ईटा, एन, एन बना करके उसकी एक लेग को जरा खींच के स्टाइलिश सा बना दो तो ये ईटा बन जाएगा आपका, ठीक है, ईटा। अब ध्यान से देखिए आप कि ईटा हम या कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। लेयर है, क्या है, लिक्विड की एक लेयर है, एक लिक्विड की लेयर और इसके नीचे लिक्विड की दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dx। नीचे वाली लेयर चल रही है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ऊपर वाली चल रही है कितनी वेलोसिटी से, v प्लस dv वेलोसिटी से, ठीक है। नीचे वाली जो स्लो है वो ऊपर वाली को खींच के स्लो करना चाहती, बैकवर्ड खींचकर, और ऊपर वाली जो फास्टर है वो नीचे वाली स्लोअर को खींचकर अपने साथ तेज ले जाना चाहती है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, विस्कस फोर्स लग रही है, इस अपोजिशन का नाम है विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन वेलोसिटीज में, भाई अगर ये बिल्कुल रुकी हुई और ये 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ये ऊपर वाली बहुत तेजी के साथ अपोज करेगी नीचे वाली के रुकने का, इससे कहेगी चल मेरे साथ, और अगर ऊपर वाली नीचे वाली रुकी हुई ऊपर वाली चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से तो ये भी कहेगी 2 मीटर पर सेकंड चलने वाली नीचे वाली से कहेगी चल मेरे साथ, लेकिन अब ये क्या तकड़ी फोर्स से कहेगी, नहीं, अब इसकी जो आवाज है थोड़ी सी कम होगी, भाई मैं तो हरा भरा से चल रही हूं, चल तू भी चल, और अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो फिर ये बहुत तगड़ी फोर्स से नीचे वाली को खींचने की कोशिश करेगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा विस्कस ड्रैग लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगी। और दूसरा किस फैक्टर पर डिपेंड है, दूसरा डिपेंड है किस पर, कि जितनी बड़ी ये लेयर्स होंगी उतना ही तकड़ा आपका विस्कस ड्रैग होगा, विस्कस ड्रैग बड़ा होगा जितनी ज्यादा साइज में एरिया होगा। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एरिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात समझ आई। अगर ये ऊपर वाली लेयर चल रही है हल्की हल्की तो नीचे वाली लेयर उस ऊपर वाली लेयर को अपोज करेगी, लेकिन ऊपर वाली लेयर चल रही है बहुत तेज तो नीचे वाली लेयर भी उसको ज्यादा खींचने की कोशिश करेगी, अपने साथ ज्यादा अपोज करेगी। जितना तकड़ा जितना बड़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों लेयर्स के बीच में, उतनी ही तकड़ी उतनी स्ट्रांग विस्कस फोर्स विस्कस ड्रैग इसमें लगेगी।
ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये लेयर छोटी है तो कम फोर्स लगेगी, अगर लेयर्स बड़ी बड़ी हो तो क्या होगा, अब दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, लगने वाली डिस्कस ड्रैग बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों को मिलाकर आप इकट्ठा लिखें तो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग इक्वल्स माइनस ए डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स। डीवी बाय डीएक्स अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, ये दोनों मिलकर इकट्ठा एक ही क्वांटिटी है, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, करेक्ट। अब आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इज इक्वल टू लगाया तो यहां आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा, ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, वेयर ईटा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। कीजिए इतना, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। इसके नीचे लिखते हैं वेयर ईटा इज ए, लिखते हैं वेयर ईटा इज ए कॉन्स्टेंट, वेयर ईटा इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर ईटा इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। विस्कोसिटी लिक्विड्स में भी होती है, विस्कोसिटी गैसेस में भी होती है। इट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, फ्लूइड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। एक मिनट, अभी आपने क्या लिखा, इट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर लिक्विड और फ्लूइड एट गिवन टेम्परेचर, उसमें जोड़ दीजिए एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब इसे हम डिफाइन करेंगे। क्या है डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है। डेफिनेशन फॉर्मूले में से ही निकल कर आती है, फिजिक्स की डेफिनेशन। अभी आपने लिखा कितना, विस्कस फोर्स इक्वल्स माइनस ईटा डीवी बाय डीएक्स ए। यहां नेगेटिव साइन तो केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे डीएक्स बढ़ता है वैसे वैसे फॉल ज्यादा होता है, वेलोसिटी का फॉल ज्यादा होता है। तो अब हम क्या लिखें, इफ ए इक्वल्स 1 स्क्वायर मीटर, यानी दो ऐसी लेयर्स ले ली आपने जिनका अपना अपना एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर है दोनों का, ठीक है, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर, 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर। मतलब अगर नीचे वाली लेयर चल रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर वाली लेयर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, नीचे वाली चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर वाली चल रही है 11 मीटर पर सेकंड से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस है और 1 मीटर पर सेकंड का दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे जैसे इंग्लिश फिजिक्स आगे बढ़ रही वैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा चाइनीज, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच यूज होती चली जाएगी, इसलिए वर्ड्स पर ध्यान देना। दोनों के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस है 1 मीटर पर सेकंड, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, तो दोनों के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर, ठीक है। तो ऐसी दो लेयर्स आपने कंसीडर करी जिनमें दोनों का एरिया 1 मीटर पर 1 स्क्वायर मीटर है, दोनों के बीच पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट है कितना, 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर, ठीक है। तो फिर देखना जरा, ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ निकल कर आएगा, माइनस एफ। अच्छा, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं, देखो जरा, अभी बच्चे बाद में लिखेंगे। अब हम डिफाइन कर सकते हैं यहां से क्या, के ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट
कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द निगेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स, निगेटिव वैल्यू में नाम नहीं लिखा तब भी ठीक है, इज इक्वल टू द फोर्स, विस्कस फोर्स, कब, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एरिया वन स्क्वायर मीटर ईच हैविंग अ वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ वन मीटर पर सेकेंड पर मीटर बिटवीन देम। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी of a liquid at given temperature is equal to the viscous drag, negative बोल दो या negative मत बोलो एक ही बात है, is equal to the viscous drag between two layers of liquid having area one square meter each and a velocity gradient of one meter per second per meter। दो लेयर्स हैं आपके पास, दोनों लेयर्स का एरिया वन स्क्वायर मीटर है, दोनों का एरिया, दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट वन मीटर पर सेकंड पर मीटर है। अब इनके बीच में जो भी विस्कस ड्रैग लग रहा है, कौन सा ड्रैग, जो ऊपर फास्टर वाली नीचे वाली को खींच रही है अपने साथ ले जाने के लिए, वो विस्कस ड्रैग, या वो जो नीचे वाली ऊपर वाली को खींच रही है वापस इसे रोकने के लिए, ये विस्कस ड्रैग। जितना भी विस्कस ड्रैग लग रहा है ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, यही लिख लेते हैं इसकी यूनिट भी। देखिए जरा, फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन, और इसकी कितनी आई है बताओ, न्यूटन मीटर पर सेकंड पर मीटर, और इनटू क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या बना, देखना ध्यान से, मीटर न्यूटन तो है ही है, तो ये तो बड़ी लंबी यूनिट बन जाएगी भाई इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड कहाँ बनेगा। अच्छा हाँ, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड, ये आपकी क्या बन गई, यूनिट बन गई ये पूरी, किसके लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या नहीं न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, अच्छा अच्छा सेकंड यहाँ ऊपर जाएगा फिर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपॉन का भी अपॉन था ना यहाँ, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है लिख लीजिए। अभी आपने इसकी डेफिनेशन लिखी ना, नहीं लिखी, नहीं डेफिनेशन भी नहीं लिखी अभी, डेफिनेशन नहीं लिखी, ठीक है लिखते हैं डेफिनेशन, लिखिए, द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। अच्छा हाँ, पहले इसे भी तो करना पड़ेगा आपने, ये कर लीजिए छोटा सा, द कोफिशियंट ऑफ लिक्विड, द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ विस्कस ड्रैग, is equal to the negative value of viscous drag, DREG drag, between two layers of liquid, between two layers of liquid having unit area, having unit area each and unit velocity gradient and unit velocity gradient between them, unit velocity gradient between them, its SI unit is, its SI unit is kg meter per second, इसको न्यूटन को भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो निकल कर आएगा kg meter per second, kg meter per second, its smaller unit is, its smaller unit is gram per centimeter per second, gram per cent, gram centimeter per second, gram centimeter per second, gram dot centimeter per second, or nahi, or nahi, called poise, p o i s, called poise,
और वन पॉइज इज इक्वल्स टू, वन पॉइज इक्वल्स 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वन पॉइज इक्वल्स 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, दो तीन नोट और लिखने से उसे भी पूरा करते हैं अभी नीचे इसी के विस्कोसिटी के बारे में। नोट लिखिए, नोट नोट। नंबर वन, विस्कोसिटी इज कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी इज कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी इज कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन सिंस इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, सिंस इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन बिटवीन, इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। नंबर टू पॉइंट, विस्कोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, विस्कोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, विस्कोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रिक्शन इन अ वे, इन अ वे वेयर एज, इन अ वे दैट, इन अ वे दैट इट, इन अ वे दैट विस्कस ड्रैग डिपेंड ऑन, विस्कस ड्रैग डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेसेस, एरिया ऑफ लेयर्स, एरिया ऑफ लेयर्स एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स। Area of layers and relative motion between layers, whereas friction does not depend on these factors. Whereas friction does not depend on these fraction factors. ना वो area पर depend होता, ना relative velocity पर depend होता। ठीक है, आगे आप कल करते हैं।